एक सवाल होता है फ्रेश मीट जब हम मार्केट से लेते हैं कि उसे साफ कैसे करना है, क्योंकि वो तो बहुत गंदा आता है ना बाजार से। यही बात, यही सवाल का जवाब आज हम दे रहे हैं। एक पूरे मुर्गे को हमने 16 पीसेस में काटा है और अब उसी की कार्यवाही रहेगी। सबसे पहले पहली धुलाई, फर्स्ट वॉश, इनको हमें इतने अच्छे तरीके से घिस के धोना है कि जो हेयर्स, रैशेस, कट मार्क्स हैं वो निकल जाएं। दूसरी धुलाई, एक एक पीस को हमें लेकर के हाथ से रगड़ कर साफ करना है, इससे ब्लड मार्क्स निकल जाएं। तीसरा वॉश, तीसरे वॉश में हम जो ऑर्गन्स, लेफ्ट ओवर्स हैं, एक्स्ट्रा कट्स हैं, अनवॉरंटेड चीज़ें हैं, उनमें से पहली चीज़ इनको निकाल देंगे, हर पीस में जो भी लगा हुआ है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप स्पून या नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी हार्ड क्लीनिंग होती है बोन्स के साइड एजेस में। ओके, थर्ड वॉश, लेफ्ट ओवर्स निकालने के बाद फिर से साफ पानी से हमें इसे जिस तरह हमने फर्स्ट वॉश किया था उसी तरह कर देना है। और अब हमारी प्रक्रिया फोर्थ स्टेप पे है। फोर्थ स्टेप में हमें काम करना है स्किन निकालना, वाइट फैट निकालना और येलो फैट निकालना। ये सारी चीज़ें आपको मीट के ऊपर अलग से लगी हुई दिख जाती हैं, इनको अच्छे से क्लीन कर देना है हमें। कुछ पीसेस में हो सकता है ये हार्ड लगे, जैसे लेग पीसेस पे बहुत हार्ड होता है स्किन को अच्छे से निकालना, तो इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, नाइफ लेकर के उसे निकालेंगे। ये देखते कैसे करते हैं नाइफ से। अच्छा, कुछ पीसेस में होगा आपको कि अंदर थोड़ा सा ओपन करके पीसेस के अंदर चेक करना होगा कि येलो फैट कहाँ कहाँ पे छुपा हुआ है। येलो फैट जनरली टॉप लेयर्स पे होता है, आपको मिल जाता है, इजीली निकल आता है, लेकिन वाइट फैट इज़ रियली टफ टू पुल आउट, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये सब निकालने के बाद फिर देन मीट लुक्स वेरी गुड, कुक्स वेरी वेल एंड टेस्ट रियली रियली जूसी। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से फैट जमा होता है मीट के पीसेस के ऊपर। करीब 1.5 किलो चिकन से 150 ग्राम के आसपास लेफ्ट ओवर्स निकला है, वेस्ट निकला है हमारे पास, और इससे थिक फैट लेयर दिखे जा रही है। फाइनल वॉश, स्टेप नंबर 5, डीप क्लीनिंग। एक्सटेंसिवली क्लीन, फुली फ्रेश मीट मैरिनेशन के लिए तैयार आफ्टर फाइनल 6th वॉश।
ऑनलाइन दुगने रेट्स पे खरीदने से तो अच्छा है लोकल फ्रेश मीट लें, अच्छे से साफ करें और इंजॉय करें। थैंक यू।